आज मैं बताने जा रही हूँ कि पुत्रदा एकादशी कब है और इसे किस तरीके से करना चाहिए और इसका महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन व्रत करने से सभी इच्छा पूर्ण होती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गाथिल एकादशी या मुक्त कोटि एकादशी भी कहा जाता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी होता है। एकादशी का नियमित व्रत करने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण होता है। 21 जनवरी यानी कि कल साल की दूसरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है। इस बार की पौष पुत्रदा एकादशी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, शुक्ल योग और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है। अब जानते हैं पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पहले दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकती है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानते हैं इसका महत्व क्या है। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता, और चूँकि यह एकादशी पौष के हिंदू महीने के दौरान आती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में दो बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में मनाई जाती है। जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो भक्त बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत करते हैं। भगवान विष्णु भक्तों को सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी या सर्वार्थिल एकादशी या मुक्त कोटि एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो ये हुई हमारी कथन। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और कल मैं एकादशी की कथा भी बताऊंगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।